अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं आगे जो है ना, काम दोबारा दूसरी मंजिल का शुरू हो चुका है। तो ये देखें, ये मैं ऊपर छत पे जाता हूँ, सीढ़ियाँ सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो खोली हैं उन्होंने। तो मैं आपको ये साथ साथ इंजॉय करते जाएंगे, देखें। और ऊपर छत की दीवारें भी उन्होंने काफ़ी सारी लगा ली हैं, ऊपर छत का काम शुरू हो चुका है, ये देखें। और साथ में जो है ये ईंटें भी काफ़ी सारी ऊपर आ गई हैं। ये तो दोस्तों जो नीचे का सेटअप बना हुआ है, सेम वही सेटअप बनेगा ऊपर। ये देखें, ये काफ़ी सारी दीवारें उन्होंने लगा ली हैं और आपके सामने है। ये सब पता है भाई। दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि जो नीचे का काम होता है वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बुनियादें होती हैं, नीचे सारा स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी निस्बत जो ऊपर का काम है, ऊपर आपका काम आसान हो जाता है, वो इस वजह से कि आपकी बुनियादें नहीं हैं। और ये देखें, ये साथ साथ नीचे से शटरिंग भी खोल रहे हैं, और ये ईंटें जो है ना, ये ऊपर साथ साथ चढ़ रही हैं, तो और ईंटें भी आ चुकी हैं, तो साथ साथ ये भी हो रहा है। तो जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि जो ऊपर का काम है छत का, वो ज़्यादा इस वजह से आसान होता है कि आपका मटेरियल छत पे सिर्फ चढ़ाना होता है, बाकी आपकी बुनियादें नहीं हैं। वहाँ पे ख़र्चा जो है वो इस हिसाब से वो कम होता है। तो आपने दीवारें जो है वो ऊंची करके उन पे जितना बीम डालने, या बीम डालने के बाद आप लेंटर डाल सकते हैं, तो वो काम आपका जल्दी निकलता है नीचे की निस्बत। ये देखें, ये साथ साथ जो है ना, मैं आपको दिखाता रहूँगा ये भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो इंटें हैं वो एक जो बंदा है वो उसको लगा दें आप चढ़ाने के लिए, वो आसानी से जब ऊपर आ जाएं। तो अगर आपका ठेके पे काम है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने दिहाड़ी पर लगाया हुआ है तो पहले, सबसे पहले आपने मटीरियल छत पर पूरा करना है। मटीरियल को पूरा करने के बाद आपका फिर जो है ना, वो काम आप शुरू करें, क्योंकि जब तक आपका मटेरियल छत पे नहीं होगा तो आपका काम जो है वो शुरू नहीं हो सकता, और ना ही इसमें तेज़ी आ सकती है। तो जो दिहाड़ीदार मज़दूर जो काम करवाते हैं, लोग काम करवाते हैं दिन में, वो अपना पहले मटेरियल छत पे पूरा करें, उसके बाद मटेरियल छत पे पूरा करने के बाद जो है ना, वो काम लगवाएँ। अगर आपका मटेरियल पूरा नहीं है, या आपकी दिहाड़ी जो है वो पूरी नहीं लग सकती, तो आप कोशिश करें कि फिर वो अवॉइड करें, कि ऐसा जो है ना, काम ना करें। तो ये देखते जाएं जी, और इन्जॉय करते जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे जो है ये शटरिंग भी खोल रहे हैं आस्ता आस्ता, ये देखें, ये जो शटरिंग है वो नीचे खुल रही है आस्ता आस्ता। जब नीचे से शटरिंग कम्प्लीटली खुल जाएगी तो मैं आपको नीचे का सेटअप दिखाऊँगा, फिर अभी आपको कुछ समझ आएगी कि क्या क्या नीचे बना हुआ है और किस तरह है, क्योंकि पहले तो फटे लगे हुए थे, शटरिंग लगी हुई थी तो समझ नहीं आ रही थी। तो इंशाल्लाह जब शटरिंग खुलेगी तो नीचे से आपको कम्प्लीटली पोर्शन नज़र आएगा, और उसके बाद जो है नीचे का काम भी जो है जो जो साथ साथ हो जाएगा, मार्बल लगेगा जैसे भी होगा, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ऊपर जो है ये बिल्डिंग का काम है, ये भी इंशाल्लाह आपके साथ साथ शेयर करता रहूँगा जी। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मलिक इत्तबा को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।